शुरू से नहीं किए। सर आज की क्या स्थिति ओवरऑल और कितने क्वारंटाइन किए गए हैं और आगे कहाँ कहाँ स्क्रीनिंग होनी है? देखिए आज की जो रिपोर्ट आई थी वो मैंने जो कल आपको बुलेटिन में बताया था उसमें 21 की सूची सुबह आई थी और 35 की सूची शाम को आई थी। कुल 56 मरीज कल बढ़े थे और उनको मिलाकर 362 की सूची जारी कर दी गई थी। इसके पश्चात एक और सूची आई है परंतु उसमें कुछ नाम ऐसे हैं जिनके सैंपल्स पहले भी लिए गए थे, अतः डुप्लीकेशन ना हो नामों में, इसलिए उनकी स्क्रूटनी जारी है। तो अभी जो 91 का फिगर चल रहा है ये एक भ्रामक है, कृपया इसे अभी पुष्टि का इंतजार करें। रहा सवाल हमारा क्वारंटीन और बाकी चीज़ों का, तो कल हमारी जो क्वारंटाइन एरिया में सर्वेक्षण टीमें हैं लगभग 350 टीमें हमने उतारी हुई हैं। इन लोगों ने अभी तक कुल 32,500 के करीब अभी तक काम कर लिया है और इतने सर्वेक्षण में इनको 250 से 300 के लोग गरीब लोग ऐसे मिले थे जिनको कुछ न कुछ सर्दी या ऐसे सिम्टम थे। 90 लोगों को सांस की तकलीफ थी परंतु हमारी मेडिकल टीम के द्वारा जब उनको देखा गया तो उनमें से किसी में भी ऐसे लक्षण नहीं थे कि उनको कोरोना की जांच कराई जाए। दूसरी ओर हमने जो बाकी टीम हमारी MMU और RRT जो चलती है इसके माध्यम से कल लगभग 600 लोगों की स्क्रीनिंग कराई थी और 550 लोगों को होम क्वारंटाइन और 50 लोगों को हम लोगों ने संस्थागत क्वारंटाइन कराया था। सर जो पेशेंट आए हैं क्या उसकी हिस्ट्री थी और किस तरीके से? संभवतः परिवारजनों के साथ, अब छोटा बच्चा है, माँ का दूध पीता है और लोग भी लाड़ प्यार करते हैं तो किसी भी परिवारजनों से हो जाता है। हालांकि अभी तक ये पाया गया सबसे छोटा बच्चा है और लेकिन अब इसको भी इसमें ट्रीटमेंट सेंटर में हमने लोगों ने रखा है और बच्चे की स्थिति बेहतर है, कोई ज़्यादा सिम्टम नहीं है। सर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या और कुछ आज हैं? 37 लोगों को हम पूर्णतः अच्छे होने के बाद डिस्चार्ज कर चुके हैं और उनमें से करीब 10 से 12 लोग अभी ऐसे हैं जिनकी सेकंड रिपोर्ट शायद आज आ जाएगी और उनको या तो आज ही कर देंगे या फिर उनका एक्सरे और ब्लड जो भी प्रोटोकॉल के तहत जांच की जाती है वो करने के बाद हम कल कर देंगे। एक बात और मैं बताना चाहूँगा कि क्वारंटाइन में जिन लोगों के 15 से 16 दिन हो गए हैं उनमें क्योंकि आखिरी केस पॉजिटिव आने के बाद 14 दिन चाहिए होते हैं इसलिए हम 14 दिन का इंतजार कर रहे थे। कल से उन सभी का मेडिकल परीक्षण कराना शुरू कर दिया है और आज से संभवतः हम क्वारंटाइन हाउस में से भी लोगों को छुट्टी देना प्रारंभ कर देंगे। सर जिन्हें डिस्चार्ज किया जा रहा है क्या उनका भी फॉलोअप लगातार ले रहे हैं? अगले 14 दिनों तक हमें सभी लोगों का फॉलोअप लेना है, फिजिकल और टेलीफोनिक दोनों तरह से हम इनका फॉलोअप लेंगे।